आपके पास मोटोरोला H50 सीरीज का कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। फोन में किसी भी तरीके का टच करने पे, स्वाइप करने पे, हर चीज़ का वाइब्रेशन और हैप्टिक्स, वाइब्रेशन का ही पैटर्न है वो, जो टच और स्लाइड हैप्टिक्स कहते हैं उसको है। तो यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग पे, एक्सेसिबिलिटी पे, यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स का ऑप्शन है, क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये कॉलिंग से रिलेटेड है वाइब्रेशंस, अगर इसको बंद कर देंगे तो इकट्ठे फ़ोन में सारी एप्लीकेशंस की वाइब्रेशन बंद हो जाती है, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाती है, यहाँ से इसको बंद करेंगे तो रिंगटोन की वाइब्रेशन बंद हो जाती है, और यहाँ पे आउटगोइंग पर्सन कोई कॉल उठा रहा है तब वाइब्रेट करता है ना, तो वो ऑप्शन यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो मैं दोनों को चालू कर दूंगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन वाइब्रेशन होती है, नोटिफिकेशन का वाइब्रेशन ऑन करना है तो कर लेंगे, अलार्म का वाइब्रेशन, ये हो गया टच का वाइब्रेशन जो आप स्क्रीन को टच एंड बैक करते हैं तो, और ये हो गया मीडिया वाइब्रेशन जो आप मूवी वगैरह देखते हो, प्ले पॉज करते हो तो वाइब्रेट करता है ना वो चीज़। तो ऐसे करके आप यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स की सेटिंग कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।